जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता। आज मैं चाहता हूँ कि आपका नाम सबसे लास्ट में हो उस लिस्ट में, जिस लिस्ट का नाम हो हार मानने वाले लोग। आज मैं 100 बंदे से बोलूँ कि रोज़ सुबह 5 बजे उठना है, और वो 100 के 100 बंदे अभी मान भी जाए तो पता है कल क्या होगा। 100 में से सिर्फ 80 उठेंगे, परसों 80 में से सिर्फ 50 उठेंगे, पाँचवीं दिन 5 उठेंगे, छठवीं दिन 2 उठेंगे, लेकिन जो 100 में से आखिरी बंदा होगा वो इस लिस्ट का 1% है। वो उस काम को करना नहीं छोड़ेगा जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है, चाहे उसको IAS बनना हो, चाहे उसे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे उसे डॉक्टर बनना हो, कुछ भी बनना हो। वो बंदे ना हार मानने वाली लिस्ट में सबसे लास्ट में रहता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है। वो सबसे लास्ट में नहीं बल्कि दुनिया के 1% सक्सेसफुल लोगों में होता है। इसी वजह से उनको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है जो इन 99% लोगों के पास नहीं होता है। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% ख्वाब देखते रहते हैं, सेम उसी टारगेट को 1% लोग हासिल कर लेते हैं। जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया, 100% तो कोई नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग तो इन 1% के भी 1% होते हैं, वो लाखों में एक होते हैं, वो करोड़ों में एक होते हैं, वो पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत भी इसी लिस्ट से होती है जो मैं आपको शुरू में बताई थी। जिंदगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त कभी हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को गले मत लगाना। अगर आपको दुनिया की 1% लोगों में आना है तो आपको वो करना पड़ेगा जिसे 99% लोग करना नहीं चाहते हैं, और आपको उस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें 99% लोग फंसे हैं। वो 99% लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ कि फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, फर्क पड़ता है। जो पत्थर नदी में गिरता है ना, वो एक महीने में चिकना नहीं होता, लेकिन आप तो इंसान हो। इंसानों में सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से दिखने लगती है जिस दिन से वो 1% लोगों की लिस्ट में आने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या आप आना चाहते हो उन 1% लोगों की लिस्ट में? अगर आना चाहते हो तो आज से ही अपने सपनों के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। बिना किसी त्याग के और बिना कुछ छोड़े आप ज़्यादा कुछ नहीं पा सकते। अगर आपको कामयाबी पाना है तो बलिदान तो करना पड़ेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा माइंड है, और सफलता के लिए वो एक ही मंत्र मांगते हैं, एफर्ट्स, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, प्रयास, समर्पण और कठिन मेहनत। क्योंकि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। अगर आप टैलेंटेड हो, 100% डेडिकेटेड नहीं हो, तो फिर आप वो नहीं पा सकते, वो लेवल कभी अचीव नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। जब मैं 12 साल का था तब लोग मुझसे कहते थे कि क्रिस्टियानो तू बहुत ही टैलेंटेड है, तू बहुत ही कमाल का प्लेयर है, लेकिन तू बहुत ही पतला है, तू बहुत ही वीक है। और इस बात को क्रिस्टियानो ने दिमाग में बैठा लिया कि ये मेरी बॉडी है और बॉडी को इम्प्रूव किया जा सकता है जिम जाकर, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करके। और क्रिस्टियानो कहते हैं कि हर दिन मैंने ऐसा किया इसलिए आज मैं टॉपर हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता दुनिया के लिए आज महान प्रेरणा है। और सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नहीं बल्कि कई सक्सेसफुल इंसान है जो आज हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा है। ये हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने सपनों के लिए खड़े हैं और निरंतर प्रयास करी, मेहनत करें और बलिदान के लिए तैयार हो, तो कुछ भी संभव है। और कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन से निकलकर कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो आप भी अपनी सीमाओं के पार जाइए और कुछ ऐसा करिए कि एक दिन खुद पर आपको गर्व हो। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो और देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और लाइक करके कमेंट में अपने विचार को जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।